हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आज के इस यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 जो चैप्टर का नाम है रैखिक समीकरण। जिन छात्र और छात्राओं को रैखिक समीकरण समझ में नहीं आती है, वह इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें, ताकि उनको इस वीडियो से लगे कि हमको रैखिक समीकरण बहुत आसानी से समझ में आ रहा है और हम कोई भी रैखिक समीकरण को आसानी से हम बना पाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है 3 × x − 3 = 15। इस क्वेश्चन से बताने के पहले मैं कुछ बेसिक बात आपको बता दे रहा हूं, ताकि आपको समीकरण बनाने में इजी लगे। तो पहला बात यह जानेंगे कि अगर यह समीकरण का लेफ्ट साइड होगा और यह समीकरण का राइट साइड होगा, तो अगर समीकरण का लेफ्ट साइड अगर कोई संख्या प्लस में होगा वह राइट साइड जाएगा तो वह माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या लेफ्ट साइड में अगर माइनस में होगा तो वह समीकरण का राइट साइड जाएगा तो वह प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या अगर लेफ्ट में डिवाइड में है तो वह संख्या राइट साइड में जाएगा, यानी समीकरण का राइट साइड में जाएगा तो वह मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर कोई संख्या लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई में है, वह संख्या अगर राइट साइड में जाएगा तो वह डिवाइड में हो जाएगा। और एक बात और, क्वेश्चन को बनाते वक्त कोष्टक पर भी ध्यान देंगे कि कोष्टक का सबसे पहले सॉल्यूशन होता है, उसके बाद जो होता है उसके बाद बोर्ड पास के नियम के अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के तरफ, इतना रूप इस चैप्टर में जानना जरूरी है। तो चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। पहला क्वेश्चन जो है 3 × x − 3 = 15। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये जो है इंटू में है, गुना में है, क्वेश्चन का मतलब जो है यानी मल्टीप्लाई में है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × x 3x होता है, माइनस 3 × 3 = 9 = 15। हमने अभी बताया कि अगर समीकरण का लेफ्ट साइड अगर माइनस में होगा तो वह राइट साइड में जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 3x = 15, ये माइनस 9 प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 3x = 15 9 = 24, ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x = 24/3। और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 × 24 होता है, आपका x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, यानी x = 8। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 2 x / 2 − 7 = 15। तो हमने ही बताया कि अगर इधर लेफ्ट साइड में माइनस है इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x / 2 = 15, ये माइनस है, माइनस 7 है तो इधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा, यानी x / 2 = 15 = 22 होता है, बराबर
ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 22 गुना 2, यानी एक्स बराबर हो जाएगा 44, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन, -2x बटा 7 प्लस 2 बराबर 8। तो हल करेंगे -2x बटा 7 बराबर, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, बराबर -2x बटा 7, और 8 में से 2 घटेगा तो 6 हो जाएगा, बराबर -2x बराबर, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, -2x बराबर 6 7 का 42 होता है, और 2 से इसको काट देंगे, 2 से जो बराबर में, बराबर में अगर संख्या रहती है तो लेफ्ट और राइट से क्या होती है, डिवाइड हो जाएगी, वो कट जाती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 21 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हम कर सकते हैं या माइनस, ये जो है संख्या में माइनस लगी हुई थी इधर गया तो ये हो गया माइनस 21 आपका, ये राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, 7 माइनस 3x बराबर 18। तो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसको माइनस 3 बराबर 18, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 3x बराबर, ये 18 में से 7 घटा 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये समीकरण का राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 11 बटा 3 और ये हो जाएगा माइनस, यह हुआ आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इजी है क्वेश्चन में, तो एकदम नहीं है क्वेश्चन बनाने का, बस अपना अपना तरीका होता है समझाने और बताने का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है, 18 बराबर 40 माइनस 3x। तो हमने बताया अभी को देख लेंगे, ये 18 हो गया, यह प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 18 माइनस 40 बराबर माइनस 3x, ये हुआ 18 माइनस 40, यानी ये माइनस 40 में से 18 घटेगा तो आपको 22 आ जाएगा, और 22 संख्या का चिन्ह उतार देते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह उतार देते हैं, माइनस बराबर माइनस 3 इंटू एक्स, माइनस माइनस कट गया, अब हो गया 22 बराबर 3x, अब ये 22 ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्स बराबर आपका 22 बटा 3 आ गया, हम इसको सीधा कर देते हैं, एक्स बराबर 22 बटा 3, यह हुआ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, 25 बटा 6 माइनस 9y बराबर 11। अब यह देखना है कि किसको लेफ्ट ले जाए और किसको राइट ले जाए, तो यहां पर देख रहे हैं ये जो है माइनस में इधर इसको उठा कर ले जाते हैं राइट साइड पे, और ये प्लस में है इधर उठा कर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी 25 बटा 6 माइनस 11 बराबर
ये माइनस है, इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9y। अब इसका सब्ट्रैक्ट निकाल देते हैं, बाटा में एक लगा दिया, यह देखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर कोई संख्या संख्या में अगर वन से डिवाइड करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो देखते हैं, सिक्स और वन का एलसीएम सिक्स होता है, सिक्स में सिक्स से डिवाइड करेंगे तो भाग पर वन आएगा, और वन में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होगा। वन में सिक्स से डिवाइड करेंगे तो भाग पर सिक्स आएगा, और सिक्स से ऊपर वाली संख्या से यानी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 6 66 बराबर 9y। अब ये घट जाएगा तो माइनस 66 में से 25 घटेगा तो आपका आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 41 बटा 6 बराबर 9y। अब इसको क्या करते हैं, अब ऐसा ही अब इसको हम बटा में इधर भी वन लगा देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y का वैल्यू इधर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 41 बराबर 6 9 54, यानी 54y हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में इधर अगर डिवाइडिंग हो जाएगा, यानी माइनस 41 बराबर ये बटा 54 बराबर y। आपका y का वैल्यू निकल कर चला आया माइनस 41 बटा 54, ये राइट आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस 1। ये माइनस में है, इधर ये माइनस 1 को उठा कर लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो 2.4 प्लस 1 बराबर हो जाएगा आपका x बटा 2.5। अब ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3.4 बराबर x बटा 2.5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 3.4 इंटू 2.5 बराबर x। अब इसको हम अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं और ये पॉइंट हटा कर भी गुना कर सकते हैं। अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बटा में 10 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या तो 10 होगी, 5 से काट देंगे 25 से 51, 25 चौका 100, 4 हो गया। अब ये 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगी आपका 4 8 जा 32, यानी आप पॉइंट में हो जाएगा 2 बस रहा है तो दशमलव लगा देंगे और 4 बचे 20, यानी x बराबर 8.5। तो ये हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ऐसा ही अगला क्वेश्चन हम बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से, हमको आशा है कि आपको यह क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझ में आती होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर दिया गया है कि 3x + 10 = 1, यह हो जाएगा 3x = 1, ये प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10, ये 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस 10 में 7 घटेगा तो माइनस 9 हो जाएगा, और 3 से काट दीजिए 3 से डिवाइड कीजिए 3 3 9, x बराबर माइनस 3, यह होगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 इंटू x प्लस 11 बाई 4 इक्वल
13, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को हम बनाते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 2 इंटू एक्स प्लस 11 बटा 4 बराबर 13। तो इसमें पहले बुड़वास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम कोष्टक का क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले कोष्टक का क्रिया करते हैं 2 इंटू या बाटा में 1 लगा लीजिए स्टैंडर्ड हो जाएगा, 1/4 का एलसीएम 4 होता है, 1/4 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल 4 आएगा और 4 में x से गुणा कीजिएगा तो 4x होगा, प्लस 4 × 4 भागफल 1 और 1 में 11 से गुणा तो 11 होगा बराबर, ये होगा आपका 13। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई में इंटू में है तो 2 से भी काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, यानी आपका निकल के चला गया 4x बराबर 4x प्लस 11 बटा 2 बराबर 13। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से 4x में तो 4x प्लस 11 तो 11 बराबर 13 × 26, यानी 4x बराबर 26 में से प्लस, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस से 11 हो जाएगा, यानी 4x बराबर ये घटेगा तो 5 और ये घटेगा तो 1, यानी x बराबर कह सकते हैं 15/4, यह हुआ आपका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, और इसी मेथड के द्वारा सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 10, तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, x/3 प्लस माइनस 14/3 बराबर 3/7, x/3 प्लस फिर इंटू में है माइनस 14/3 बराबर 3/7 दिया गया है, तो हल करते हैं, x/3 प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में है तो 14/3 बराबर 3/7, या माइनस में इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी यह x/3 बराबर 3/7 प्लस 14/3 बराबर x/3 बराबर 3/7 का एलसीएम 21 और 7 से 21 में डिवाइड करेंगे तो 7 × 3 = 21 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाता है जो भागफल आपका आता है 3 × 7 = 21, ये आपका भागफल 7 और 14 × 7 = 98, यानी x/3 बराबर 98 × 9 = 107 और 21 3 से काट दीजिए 3 × 7 = 21, यानी x बराबर 107/7, यह होगा।